हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक मगर पसंदगी में आता है, वो है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो ट्वेल्थ वालों, आपके लिए पांच नंबर का एक तोहफा, वो है आपके पास जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम यहां पे अभी प्रूफ करने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको। अब पांच नंबर में आप बना के आने वाले हैं उसको। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो होता है जीरो ऑर्डर का, वो अपने पास हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसके पावर में जीरो, और जो हम बाय डेफिनेशन पढ़े हुए हैं रेट लॉ के, वो अपने पास होता है इस तरह से माइनस डी आर बाय में डीटी। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड माने और दोनों को कंपेयर करें तो इधर उधर बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इक्वल टू दिस कितना हो गया है पास माइनस डी आर बाई में डी टी इक्वल टू में के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। और किसी के पावर जीरो कितना होता है, हमारे पास वन होता है, जानते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू होगी अपने पास वन, तो के इंटू में वन इक्वल टू क्या हो गया पास के, इधर जो भी है पहले जो का त्यों इतना बाई में डी टी, फिर से अपने पास इतना बाई में डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई कितना होगा के और डी टी हो गया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ लगा दीजिए इंटीग्रेशन। मैथ वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही चुटकी का खेल है। माइनस है, माइनस बाहर निकाल दीजिए, और इसका लिमिट लगाना होता है मेरे पास कंसेंट्रेशन। हमारे पास जो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, हम लोग नॉट लगा के लिखते हैं, तो यहां इनिशियल हुआ, ये मेरे पास फाइनल हो गया। अब जब हमारा ये माइनस बाहर निकला, जैसा कि जानते हैं आप कि डी एक्स का कितना होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, सिर्फ एक्स होता है, तो उसी तरह से क्या होगा डी इतना कितना का सिर्फ इतना हो जाएगा। आइए लगाते हैं लिमिट हम लोग, फिर ये हमारे पास लिमिट यहां आ जाता है, फिर हमारे पास ये बोला यहां चला जाता है, ये के कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और डी टी कितना हो जाएगा टी, इसका भी लगता है लिमिट, शुरू कहां से होगा जीरो समय से और टी तक जाएगा, तो यहां हो गया जीरो, यहां हो गया टी। अब लिमिट पुट करेंगे हम लोग, चलिए तो इसमें पहले लिमिट पूछिए, बाहर आपने पास माइनस का माइनस रख दीजिए, इसको यहां पुट कीजिए, सेम टू सेम आ गया अपने पास, माइनस लगाइए इसका, फिर यहां पुट कर दीजिए, इधर करेंगे हम लोग तो के का के और टी का पुट करेंगे हम लोग, तो कितना हो गया टी माइनस में जीरो, इसे माइनस दोनों में गुना कर दीजिए, यह हो जाएगा प्लस, ये अपने पास के इंटू टी जीरो भाग गया के टी। हम क्या करेंगे अपने पास कि इसको उठा कर उधर फेंक देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये अपने पास के टी का के टी, ये उधर गया तो माइनस में चला गया। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा फिर प्लस में, ये बन गया आपका जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका ग्राफ बनता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें y और x वेरिएबल है, और यहां पे ये और ये टाइम वेरिएबल है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा, इसका ग्राफ को समझना पड़ेगा हमको क्या होता है। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अगर मान लीजिए इस तरह का आया ग्राफ तो इसका स्लोप होता है प्लस पॉजिटिव, और इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होता है अपने पास स्लोप निगेटिव, मतलब m का मान, और m का काम कौन कर रहा है इस इक्वेशन में पास k, और k क्या है माइनस में है, मतलब कि ऐसा ग्राफ बनने वाला है। चलिए और t की जगह पे कौन है x, तो x को हटा के हम क्या करेंगे यहां पे t लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग y के बदले कौन है ये, तो हम लोग क्या करेंगे ये लिख दिए। अगर आप बताएं अभी इस तरह से होगा क्योंकि निगेटिव है m का मान, तो ये बना दिए ग्राफ हम, ओके तो इसका हमारे पास स्लोप हो गया माइनस के, ये जो वैल्यू जहां काटता है y एक्सिस को ये होता है c वाला वैल्यू, मतलब यहां से लेकर यहां क्या होता है c होता है, तो c जगह पर कौन है मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बना अपने पास जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये था आपका कितना आसान तरीका ऐसे बनाया आपको हम, अब बहुत ही आसान है भी, तो आप भी इसका तैयारी कर लीजिए, इस बार आने की चांसेस ठीक ठाक है इसका। हाँ, इस तरह इसका फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है, सेम टू सेम प्रोसेस करना है, बस यहां जीरो हटा करके वन कर देंगे हम लोग, सेम प्रोसेस करेंगे, अपने पास सेम आता है इस तरह से, ओके।
तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का भी हम डेरिवेशन करें तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।